शोबिज डायरीज़, आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हम स्टाइल अवार्ड 2024 में अदाकारों की ड्रेसिंग और उनके जलवे। कौन सी अदाकारा ने कौन सा ड्रेस पहना और किस अदाकारा ने बेहुदा ड्रेसिंग की और किस अदाकारा ने पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, दिखाएंगे आपको आज के इस वीडियो में तमाम तफसीलात। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हर साल हम स्टाइल अवार्ड अरेंज होता है और अदाकारा एक से एक ड्रेसिंग करती है और उनमें ड्रेसिंग का कंपटीशन भी होता है कि कौन सी अदाकारा बेस्ट ड्रेसिंग करती है। इसीलिए पाकिस्तानी अदाकारा भी यूनिक से यूनिक नजर आने के लिए अपना ड्रेस डिजाइनर से डिजाइन करवाती है। तो बताते चले, इस साल हिबा बुखारी ने ग्रीन कलर की मैक्सी पहनी थी और वो बेहद हसीन और खूबसूरत लग रही थी। इस साल हिबा बुखारी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज रही और वो बेहद ग्लो कर रही थी। सब एक्ट्रेस उन्हें मुबारकबाद देती नजर आई। इस साल धनानीर मुबीन ने अपना पार्टी स्टाइल भी क्रिएट किया और धनानीर मुबीन ने व्हाइट कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी हुई थी और वो बेहद प्यारी और हसीन लग रही थी। इसके बाद फरहान सईद और उर्वा हुसैन की जोड़ी ने भी अपने हुस्न के जलवे बिखेरे और इस खूबसूरत मौके पर इन्होंने अपनी क्यूट सी बेटी जहां आ रहा था भी फेस रिवील किया। यहां आपको बताते चले, फरहान सईद और उर्वा हुसैन जब एयरपोर्ट पे थे तो लोगों ने उनकी बेटी की पिक्चर्स लेना चाहा, लेकिन फरहान सईद ने अपनी बेटी का फेस छुपा लिया क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन उनका फेस खुद रिवील करना था। और फिर उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने अपनी क्यूट सी बेटी जहांआरा का फेस रिवील किया, जिससे फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उनकी क्यूट सी बेटी को बहुत सारी दुआएं दी। हानिया आमिर ने हम स्टाइल अवार्ड के लिए शानदार स्टेज परफॉर्मेंस की और शो में हानिया आमिर बिल्कुल डॉल की तरह ड्रेस अप हुई, लेकिन इस बार हानिया आमिर ने बेहतरीन ड्रेस पहनकर मद्दाहों का दिल जीत लिया और फैंस ने उनके इस ड्रेस को इतना ज़्यादा पसंद किया कि सब उन्हें बारबी डॉल कहना शुरू हो गए। यहाँ आपको बताते चले, यमुना ज़ादी ने हम स्टाइल अवार्ड के लिए व्हाइट कलर की मैक्सी पहनी थी और उन्होंने अपने बेहतरीन पोज देखकर मद्दाहों का दिल जीत लिया और यमुना ज़ादी ने हम स्टाइल अवार्ड में एक अवार्ड भी अपने नाम किया, जिसे देखकर मद्दाहों ने उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दी। अदाकारा रमशा खान भी अपने जलवे बिखेरती हुई नजर आईं। सहर खान ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, जिस पर मद्दाहों ने उन्हें कहा कि ये ड्रेस उनके इस अवार्ड शो के हिसाब से नामुनासिब है। आप लोगों को किस अदाकारा की ड्रेसिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।